फ्रेंड्स, मैं अपना ब्लॉग अभी से शुरू कर रही हूँ और अभी बज रहे हैं, घड़ी नहीं दिख रहा है, अभी बज रहे हैं 6 और मेरा किचन का टोटल काम शेष हो चुका है। तो मैं अपना किचन का काम शेष हो चुका था। तो आज मैं वो मंदिर का जो ऊपर शीशा वाला जो सेल्फ सब है तो वो सब बहुत ही गंदा हो रखा था। इस घर में कुछ दिन पहले काम हुआ था तो बहुत ज़्यादा ही गंदा हो रखा था, तो मैं आज उसी को साफ़ कर रही हूँ। वो अपना उधर फ्रेश हो रहे हैं, मैं इधर, मुझे टाइम मिला तो मैं ये सब साफ़ कर दे रही हूँ। ये पूजा रूम का जितना भी पोछा का काम होता है ये मैं मंदिर के जो पूजा का जो कपड़ा सब होता है वही सब कपड़ा यूज करती हूँ, और ये और फालतू कपड़ा यूज नहीं करती। तो वही कपड़ा से मैं ऊपर का सेल्फ साफ़ कर रही हूँ, नीचे का सेल्फ साफ़ कर रही हूँ। अच्छा नहीं लगता है, मंदिर जितना साफ़ सुथरा रहे मंदिर पूजा रूम उतना ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो एक एक सामान को मैं पोछ कर रख दे रही हूँ जगह पे। और ये जो नीचे में जो ये पूजा का घी, फूलबत्ती और चावल, अच्छा सिंदूर जो भी डब्बा है वो सब का अभी मैं सफाई नहीं करूँगा, उसे मैं जब नहा कर आऊँगी तब सफाई करूँगी, तो वो मैं किसी और दिन साफ़ कर लूँगी। तो ये ऊपर वाला ज़्यादा गंदा हो रखा था, ऊपर उतना कोई खास सामान नहीं रहता पूजा का, तो मोमबत्ती कैंडल यही सब रहता है, तो उसे भी साफ़ सुथरा कर दे रही हूँ ताकि देखने में रूम अच्छा लगे। तो बस मैं यही सब, अब का टाइम मिलता है तो फिर मैं यही सब करने लगती हूँ। तो फिर आप लोग देखिए, और मेरे वीडियो का, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, कमेंट तो ज़रूर ही कीजिए, क्योंकि कमेंट से पता चलता है कि कहाँ पे गलती हुई है कहाँ पे गलती नहीं हुई है। अगर कोई बुरा कमेंट भी आता है तो उसे मैं वीडियो में सुधारने का कोशिश करूँगी, इसलिए कमेंट ज़रूर कीजिए, जैसा भी कमेंट हो कीजिए। ऐसा बात नहीं कि सब अच्छा ही कमेंट होता है, कमेंट जैसा भी हो कीजिए, उससे मेरा गलती तो समझ में आएगा। तो वीडियो को पूरी के पूरी देखा कीजिए, स्किप करके मत देखा कीजिए, और आगे से मैं कोशिश करूँगी कि मैं लंबी वीडियो ना डालूँ, क्योंकि लंबी वीडियो डालती हूँ तो आप लोग बोर हो जाते हैं, तो इसलिए उतनी लंबी वीडियो नहीं डालूँगी, 9 मिनट 10 मिनट इतना का ही वीडियो डालूँगी। और इधर मेरा इधर पूजा का सफाई कंप्लीट होने वाला था, तो अब वो जो बारिश आता है तो बारिश का पानी, उसका धूल गंदगी सब आकर वहाँ पे जमा हो जाता है, तो लगे हाथ उसको भी साफ़ कर दे रही हूँ। उस समय भी अच्छा नहीं लगता है, ऑरेंज, हम लोगों का वॉल का कलर ऑरेंज है तो पूरा साफ साफ देखने में अच्छा लगता है, तो उसे भी साफ़ कर दे रही हूँ। इधर टेबल है तो टेबल को भी पोछ पाछ कर वो भी साफ़ कर दूँगी। तो यही सब एक करके सारा काम कर रही हूँ, सब ये पूजा का पूजा रूम का ही कपड़ा से कर रही हूँ। तो आप लोग वीडियो को पूरी देखिए, और आज का ब्लॉग मेरा क्लीनिंग का ही ब्लॉग है, क्योंकि आज का ब्लॉग में मैं आपको ज़्यादा कुछ नहीं दिखाऊंगी कि हाँ मैं बर्तन धो रही हूँ, स्लैब में खाना बना रही हूँ, नाश्ता बना रही हूँ। तो आज मुझे इधर का ही साफ़ सफाई करना था, तो आज यही वीडियो शूट कर ली। आज मेरा पूरा ब्लॉग क्लीनिंग पे ही रहेगा, तो उधर का भी खिड़की पूरा साफ़ कर दी। साफ़ करने के बाद बस झाड़ू पोछा रह गया है, तो झाड़ू पोछा करने के बाद फिर उनका पूजा करने के लिए रूम रेडी हो जाएगा। अभी मेरा मंदिर का क्या बोलते हैं पर्दा लगा हुआ है, वो आएंगे नहा के तो वही मंदिर का पर्दा हटाएंगे, उसके बाद वो आधा पूजा करके जाते हैं, तो उसके बाद मैं पूरा पूजा करती हूँ, क्योंकि उनके पास उतना ज़्यादा टाइम नहीं रहता है। दुकान भी, क्योंकि उनका होलसेलर का दुकान है तो ये जल्दी जल्दी सुबह में दुकान खोलने चले जाते हैं, तो उसके बाद से मैं अपना काम कंटिन्यू करती हूँ, क्योंकि मुझे तो घर पे ही रहना है। तो सारा दिन मैं यही सब धीरे धीरे अपना काम करते रहती हूँ। साफ सफाई का खिड़की भी गंदा हो रखा तो उसे भी पोछे दूँगी। फिर उधर क्या बोलते हैं दरवाजे के पीछे भी धूल मिट्टी सब जम जाती है तो उसे भी साफ़ कर दूँगी। मुझे गंदा रूम सब बिल्कुल ही पसंद नहीं है, मैं धीरे धीरे करके सारा का सारा साफ करते रहती हूँ।
ये दरवाजे पर भी गंदा जमा हो गया था, तो इसे भी पोछ कर साफ कर ले रही हूँ, क्योंकि साफ सफाई बहुत ही अच्छी बात है। और इधर जो दरवाजे के एक साइड में आप लोग को कुछ कपड़ा दिखाई देता होगा, तो वो मैं रेगुलर का कपड़ा जिसको आलना बोलते हैं, हम लोग तो आलना ही बोलते हैं, तो मेरे हस्बैंड वहाँ दरवाजे के पीछे बना दिए हैं, दरवाजा के पीछे नहीं मतलब इस दरवाजा के साइड में बना दिए हैं, मैं वहीं पर अपना कपड़ा डेली का कपड़ा रखती हूँ। मैं डेली डेली मॉप से पोछा नहीं मारती हूँ, कभी कभी हाथ से भी पोछा मार लेती हूँ, क्योंकि हाथ से पोछा मारने से कोना कोना में जो गंदगी वंदगी सब जमी हुई रहती है, जैसे टेबल में हुआ तो ये सब उधर से भी थोड़ा सा हाथ घुमा देने से वो सब भी साफ़ हो जाता है, और ऐसे भी टाइल्स में कहीं कहीं गंदा पड़ गया था तो उसे भी साफ़ कर दे रही हूँ। ऐसे तो मैं एक्सरसाइज करती नहीं हूँ, तो एक्सरसाइज करती थी पर अभी छोड़ दी हूँ एक महीना से, इसलिए फिर थोड़ी सी मोटी हो रही हूँ, तो इससे मेरा एक्सरसाइज भी हो जाता है, क्योंकि घर का काम करने से वैसे भी एक्सरसाइज होता है, झाड़ू पोछा करने से तो एक्सरसाइज हो ही जाता है शरीर का। तो बस आज का मैं अपना यही रूटीन आपको दिखाने वाली थी, तो आप लोग वीडियो को पूरी देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा, और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को ग्रो करना है। मेरे वीडियो पर व्यू बहुत कम ही आ रहे हैं, बहुत बहुत कम व्यू आ रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, बस और कुछ नहीं, आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो हम लोग भी आगे बढ़ेंगे, तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए। इस वीडियो में आप लोगों को एक अलग से साउंड सुनाई देगी, जो ये क्या बोलते हैं, मंदिर का घंटा और शंख का, तो ये मेरे घर के बगल में मंदिर है, उसी का घंटा का आवाज़ है। फ्रेंड्स, मेरा पूजा अभी अभी शेष हुआ है, और मैं प्रसाद उठाऊंगी और उसके बाद जाके अभी नाश्ता पानी करूंगी, तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। बाय।